पेट्रोल की कीमत सबके पास, पेट्रोल डीजल के बड़े दाम। बीजेपी ने किया जीने हराम। ये मालेगांव का पांचवा पम है, यहाँ पे हमारा धरना आंदोलन 15-15 20 मिनट का हर पम के ऊपर रहा है। एक साथ एक हर पम के ऊपर नहीं कर सकते थे, इसके लिए उसको हमने 15-15 मिनट का टाइम लेकर के हर पेट्रोल पंप के ऊपर कुसुम्बा रोड के दोनों पंप, आगर रोड के तीनों पंप। दोस्तों, जब से केंद्र के अंदर बीजेपी की सरकार आई है, मोदी जी का राज आया है, वहां से लेकर आज तक महंगाई के अंदर पूरा पूरा इजाफा होता चला जा रहा है, चाहे वो पेट्रोल डीजल हो, रसोई गैस हो या मीठा तेल हो या ऐसे अनेक खाने की तमाम चीजें। दोस्तों, जब कांग्रेस की यूपीए सरकार थी तो डीजल पेट्रोल का जो अंतर था 60 रुपये और 75 रुपये तक या 65-75। लेकिन दोस्तों, पूरे देश से आवाज उठा करती थी, अपोजिशन पार्टी आवाज उठाया करती थी, साथ साथ में देश की जनता आवाज उठाया करती है। लेकिन ना जाने अभी देशवासियों को क्या हुआ कि देश भर के अंदर महंगाई के खिलाफ और बीजेपी सरकार और मोदी सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठ रही है। बहरहाल, अब बर्दाश्त की हद हो चुकी है और इनका जुल्म भी देश की आवाम के ऊपर बहुत हो चुका है। इसलिए हमारी इंडियन कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी और आदेश के ऊपर महाराष्ट्र के हमारे अध्यक्ष नाना पटोले जी की आवाज के ऊपर उन्होंने पूरे महाराष्ट्र के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हर पंप के ऊपर धरना आंदोलन किया, उन्होंने ऐलान किया था। लेकिन दोस्तों, ये ऐलान था हमारा गए इतवार को, जो दिन हमारा एक साथी मरहूम पप्पू अलांसा नुरुल्ला अंसारी वो हमसे जुदा हो गए, दुनिया छोड़ के अल्लाह को प्यारे हो गए। इसलिए हमने इतवार का ये आंदोलन हमने मुलतवी कर दिया था और आज पार्टी के आदेश के ऊपर फिर हमने आज जुमा के दिन 3 बजे से हम लोगों ने ये शुरू किया और ये आंदोलन पूरे 5 फोन के ऊपर हम कर सके। बहरहाल, अगर महाराष्ट्र से अगर ये आवाज उठ रही है और हर शहर से आवाज उठ रही है तो जाहिर सी बात है, एक दिन बचे हुए 3 सालों के अंदर यह जनसैलाब बनकर के उभरेगा और देश की आवाज बनेगी और देश की जनता एक होगी, लोग पक्षपात नहीं करेंगे और एक दिन मोदी सरकार को केंद्र से उखाड़ फेंकेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। आप लोग हर जगह जुमा के दिन होते हुए अपना वक्त निकाल करके इस धरना आंदोलन के अंदर मेरी आवाज के ऊपर और महाराष्ट्र के अध्यक्ष की आवाज के ऊपर, सोनिया गांधी की आवाज के ऊपर, आप लोग कार्पोरेटर और कांग्रेस के चाहने वाले सब यहां जमा हुए। मैं मेरी ओर से, नाना पटेल जी की ओर से, सोनिया गांधी की ओर से और जनता की ओर से आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय कांग्रेस।